एडीसी इलेक्शन के पहले भी आपका मोह साइन हो चुका था, इसके बाद भी सेपरेटली आप कॉन्टेस्ट किया इंग्लिश एंड ऑल्सो इन हिंदी सो दैट दे ऑल्सो अंडरस्टैंड हम क्या पूछ रहे हैं उनसे. I will answer that separately. But right now, if you want to ask me anything regarding Delhi Abhiyan, and I, my president is sitting with me, Ananda Babu is sitting with me, Rishiketu is there, my wife. On 27th, we leave from Tripura. Question related to Delhi Abhiyan, I'll be more than happy to answer. Uske baad, if you want to ask me any question which is separate from this, sir, tader ke আমি আন্তরিক ভালোবাসা জানাচ্ছি. আমরা 27 তারিখ যাহা তক উনি মুঝে কাহা হ্যাঁ ত্রিপুরা ল্যান্ড ইজ দ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং আর আগে উনকো হটনা পড়েগা তো হটনে কে লিয়ে তৈয়ার হে উনি মুঝে কাহা এন্ড উই রিচ দিল্লি অন 30 দেন আই এম মোর দ্যান হ্যাপি টু আনসার. আগে আপকো কোই সওয়াল হ্যাঁ रिगार्डिंग दिल्ली अभियान तो मैं अभी आंसर करता हूँ. अगर अर्बन बॉडी के इलेक्शन के बारे में आपको पूछना है तो थोड़ी देर बाद पूछिए. लेकिन आने वाले इलेक्शन में अगर किसी ने राइटिंग में ग्रेटर त्रिपुरालैंड या त्रिपुरालैंड का डिमांड को नहीं दिया देन हम उनके साथ अलायंस नहीं करेंगे. हम अकेला आने वाले इलेक्शन हिंदी सो दैट आर लीडर्स कैन अंडरस्टैंड इट इन लैंग्वेज दे आर कम्फर्टेबल इन अ लैंग्वेज विच इज कम्फर्टेबल इन अक्रॉस नॉर्थ ईस्ट एंड इन कॉकोरॉक बिकॉज दैट इज अ मदर टंग. सो कि जो दूसरे त्रिपुरा साज हैं जो बैंगलोर में हैं जो दिल्ली में हैं शिमला में हैं चंडीगढ़ में हैं यूपी में हैं बंगाल में हैं पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट में हैं अगर आप इसमें शामिल होना चाहते हैं दिल्ली में हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम टू कम टू जंतर मंतर और हमारे साथ हमें सॉलिडारिटी दिखाकर आप लोग प्लीज़ इसमें हिस्सा ले सकते. अगर IPFT मैंने IPFT को क्लियरली एक बात कहा है मेवा कुमार जमाते से भी आप ये सवाल पूछ सकते हैं. मैंने कहा है कि हमें दोनों हम दोनों को एक पार्टी हो जाना चाहिए और अगर हमें त्रिपुरालैंड के लिए फाइट करना है या ग्रेटर त्रिपुरालैंड के लिए फाइट करना है तो हमें रेडी होना चाहिए अपना मंत्री पद और गवर्नमेंट से हटने के लिए और एक आवाज़ में ग्रेटर त्रिपुरालैंड या त्रिपुरालैंड के लिए फाइट करने के लिए. वी हैव टू बी रेडी टू सेक्रीफाइस अ पोस्ट वी हैव टू बी रेडी टू सेक्रीफाइस अ मिनिस्टरशिप. 23 of the Indian Constitution. 27 तारीख को हम लोग निकल रहे हैं. पूरा शेड्यूल आपको हम दे देंगे. जंतर मंतर में हमारा प्रोटेस्ट 30th और 1st को है. आई एम ऑल्सो अपीलिंग टू ऑल द लोकल मीडिया रीजनल मीडिया नेशनल मीडिया प्लीज़ हमें भी कवर कीजिए. हम लोग भी त्रिपुरा का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है एंड इंश्योर दैट वी आर लुक्ड आफ्टर एंड आर न्यूज़ इज passed on to not only the people of Tripura but across the country. If you have any questions, time diya Prime Minister ne to hum Prime Minister se milenge, Home Minister ne diya to milenge, agar nahi diya to wahan mein jaake presentation denge, lekin hum log officially ek memorandum submit kar rahe hain. We are going to submit the memorandum to demand for Tripura land and Greater Tripura land. Enough is enough. We do not want to do tamasha. We want to officially tell the government of India, you may be IPFT, you may be Tripura Motha, but we are speaking in one voice in Delhi. We are not speaking as different parties. No more divided rule should persist in the politics of Tripura Saj in our state. Also to add, I will come looking at his health, but hum log zarur isme shamil honge aur memorandum mein humne clearly ek awaaz mein demand kiya hai ki hame greater Tripura land state chahiye. Isme compromise nahi hoga. मैं खुशी हूँ. मुझे अच्छा लगता है कि दिल्ली में बहुत साल के बाद हम लोग सब एक प्लेटफॉर्म में एक आवाज़ में डिमांड कर रहे हैं त्रिपुरालैंड या ग्रेटर त्रिपुरालैंड को एक साथ. जो EDC इलेक्शन के पहले वायलेंस हुआ जो हमारी डिसयूनिटी है जो ठानसा नहीं है हमारे बीच में इसी के लिए 70 साल से डिवाइडिंग रूल करके हमें पीछे रखा गया है. आज दिल्ली में एक मौका आया है कि हम लोग सब एक आवाज़ में दिल्ली जाकर बात करें. इसमें ईगो नहीं होना चाहिए. इसमें कौन बड़ा पार्टी है कौन छोटा पार्टी नहीं होना चाहिए कौन रजिस्टर्ड और कौन अनरजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए. हमें वहाँ में त्रिपुरा सा बन के एक आवाज़ में बात करना चाहिए और वो हम करेंगे इस बार 30th और 1st को. अल्टीमेट सोल्यूशन आप जितना भी एम्पावर कर दें अल्टीमेट सोल्यूशन 2026 में डिलिमिटेशन होगा. उसके बाद कोई हमें पूछने वाला नहीं है.
Nobody is going to ask about the Tiprasa people after delimitation in 2026. तो जो भी सोल्यूशन चाहिए 2023 तक चाहिए, और ये जो सरकार को अगर कुछ करना है तो 2024 तक करना पड़ेगा। हम और अब अपना समय नष्ट नहीं करना चाहते हैं कि यहाँ से कुछ फंड्स मिल गया, यहाँ से कुछ मिल गया। वी वांट फुल एंड फाइनल सोल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम ऑफ द इंडिजिनियस पीपल। 2021 दिल्ली अभियान जाबो, हमारा 30 तारीख এবং এক তারিখ আমরা দিল্লিতে ধর্নায় বসবো। এবং যেভাবে আমাদেরকে এনএফ রেলওয়ে ইনস্ট্রাকশন দিয়েছে এবং তাদের সঙ্গে যেভাবে কথা হয়েছে সেইভাবেই আমরা দিল্লির জন্য রেডি আছি। এবং আমাদের সঙ্গে যারা যাবেন, আমাদের ত্রিপুরা মাথার ওয়ারিয়র্স YTF, TWF and the promoter leaders যারা যাবেন তাদের উদ্দেশ্যে বলছি যে 27 তারিখ আমাদের বিকেলে যে ট্রেনের টাইম, ওই টাইমে আমরা আগরতলা থেকে রওনা দেবে। এবং সকলকে এটাই অনুরোধ জানাবো, টাইমলি তারা যাতে ট্রেন স্টেশনে গিয়ে পৌঁছেন। देखिए, एक कहावत है ना, जंगल में नाचा मोर तो किसने देखा, ठीक है। खुमुलुंग में प्रोटेस्ट करने से क्या मिलेगा, अम्बासा में प्रोटेस्ट करने से क्या मिलेगा। इसके लिए हम हिंदुस्तान के राजधानी में जाकर प्रोटेस्ट करेंगे, और वो भी पार्लियामेंट के टाइम में, क्योंकि पूरा इंडिया को देखना चाहिए कि एक छोटा स्टेट त्रिपुरा है, वहाँ में इंडिजिनस लोग रहते हैं और उनको 70 साल से नीचे रखा गया है। आज हमारा जो डिमांड है वो एंटी नेशनल नहीं है, इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड, एंड वी वांट आर सॉल्यूशन टू आर डिमांड्स। एंड दैट्स व्हाई वी हैव टाइम्ड आवर एंटायर विजिट ड्यूरिंग पार्लियामेंट। पहले हम लोग का डेट 14 नवंबर था, देन वी हर्ड दैट द पार्लियामेंट इज हैपनिंग ऑन द 29th, तो हमने अपना प्रोटेस्ट भी टाइमिंग करके ही पार्लियामेंट के साथ रखा है, क्योंकि वी वॉन्ट द पार्लियामेंट टू ऑल्सो नो दैट हम एक छोटा स्टेट हो सकते हैं लेकिन हमारा डिमांड 100% जेन्युइन। एक और बात महाराज, दे हैव एवरी राइट टू मूव टू द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। द फैक्ट इज दैट आई मूव्ड ऑन टू द इलेक्शन कमीशन मायसेल्फ व्हेन आई वाज अ कांग्रेस प्रेसिडेंट। देयर वाज एब्सोल्यूट 100% रिगिंग इन त्रिपुरा ड्यूरिंग द लोकसभा इलेक्शंस, एंड दैट्स व्हाई 167 बूथ्स वर आल्सो टोल्ड टू रीकास्ट द वोट। नथिंग हैज चेंज्ड फ्रॉम 2019 टिल नाउ। देयर इज वायलेंस, देयर इज इंटिमिडेशन। It happened during EDC election. I was attacked myself in the SDM's office. So the fact is that violence has become an integral part of elections in Tripura. You all are reporting it today because it's Nagartala, but I saw violence during the EDC election, and it's still happening now. And it's a very sad state of affairs. People should be allowed to exercise their franchise, no matter who they want to wish to vote for or who they don't want to vote for. But that is not happening in the state. Even here, some of our Tripura Motha is fighting in only a few seats. For the first time, a regional party is fighting in a few seats. Even there, we have been intimidated. There is video evidence. There is clear evidence of intimidation. But still, it goes on. 27th, we will all be leaving from Agartala for Delhi. Delhi Abhiyan. Almost 1500 people will be going to Delhi. We will be protesting in Jantar Mantar. Our demand being very specific for Tipra land, greater Tipra land. Our demand being for the early passing of 125th Amendment in the Parliament. Demand for Cockborock in Roman script. Our demand for repealing of CAA, and most importantly our demand for Thansa. मैं और एक बात बोलना चाहता हूँ कि IPFT is also going to accompany us. We have always said that when we go to Delhi, we should not be speaking in different parties, we should be speaking as one jati. So IPFT and Tipra Motha will be speaking in the same voice, we'll be giving a common memorandum, and
We are working in a process where in the short coming months, we will jointly be asking the government of India to give the indigenous people of Tripura a homeland, a state of their own.